हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, वेलकम टू माय स्कूल चैनल। ये चैनल है आप सभी का, आपका अपना स्कूल। तो बच्चों, खुश हैं आप? आपका अपना स्कूल आ गया है। तो मेरा स्कूल चैनल में हम लोग लाने वाले हैं आप सभी के लिए क्लास 3rd, 4th, 5th के सभी सब्जेक्ट के सारे वीडियोस, और वो भी खेल खेल में पढ़ाएंगे। तो तैयार हैं आप सभी? आइए, आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि क्लास 3rd में एनसीईआरटी बुक में ईवीएस में क्या क्या सिलेबस दिया गया है। तो आइए बच्चों, आपको आज 3rd क्लास के ईवीएस के सिलेबस पे लेके चलते हैं, और हम इसी तरह से हर दिन एक एक चैप्टर का वीडियो अपलोड करते जाएंगे। लेट्स लर्न, लेट्स प्ले, लेट्स लर्न एंड प्ले। तो बच्चों, क्लास 3rd की ईवीएस की बुक में टोटल 24 चैप्टर्स हैं। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि चैप्टर में क्या क्या है। पूनम्स डे आउट। पूनम्स डे आउट में बच्चों, एक लड़की है पूनम, जो कि बाहर जाती है और वो देखती है कि आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि एनिमल्स, बर्ड्स, पानी। आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती है ना बच्चों, जब आप बाहर जाते हैं। तो हम भी देखेंगे कि पूनम ने क्या क्या चीज़ें देखी है। तो बच्चों, ये वाले चैप्टर में हम पूनम के डे आउट के बारे में पढ़ेंगे। द प्लांट फेयरी। तो बच्चों, इसमें हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स के बारे में और जानेंगे, उसकी पत्तियां होती है उसके बारे में और जानेंगे। तो आप सभी तैयार हैं पेड़ पौधों के बारे में और जानने के लिए? वाटर ओ वाटर। वाटर ओ वाटर से क्या पता चलता है बच्चों? बिल्कुल सही, यानी कि पानी। हम लोग पानी के बारे में जानेंगे, पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, पानी को हमें बचाना चाहिए, पानी हमारा वेस्ट होता है तो हम उसे कैसे बचा सकते हैं। तो इसमें हम लोग पानी के बारे में और जानेंगे। आवर फर्स्ट स्कूल। तो बच्चों, जब हम लोग पैदा होते हैं, क्या हम लोग कभी से स्कूल जाते हैं? नहीं। तो हम लोग, बिल्कुल सही, हम लोग जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, 5-6 साल के हो जाते हैं, तब हम लोग एडमिशन लेते हैं स्कूल में। लेकिन आजकल तो हम 3 साल के होते ही प्री नर्सरी में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन क्या हम प्री नर्सरी से पहले कुछ भी नहीं सीखते? ऐसा तो नहीं है, यानी कि हम बहुत कुछ पहले ही सीख लेते हैं। तो बच्चों, बताओ हमारा फर्स्ट स्कूल कौन सा हुआ? बिल्कुल सही, हमारा परिवार, हमारी फैमिली। तो हम लोग अपनी फैमिली में किस किस से क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, वो हम लोग यहाँ से जानेंगे। छोटू हाउस। छोटू हाउस, बताओ बच्चों इसमें क्या है? हाँ बच्चों, एक बच्चा है आपके जैसा छोटा सा, वो मुंबई जाता है, और वहाँ भी उसका कैसा घर होता है वो हम इस कहानी में पढ़ेंगे। फूड्स वी ईट। आप सबको खाना पसंद है? बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पसंद होंगी। क्या हम सबको एक जैसा चीज़ पसंद है? नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरह के भोजन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और सबको अलग अलग चीज़ भी पसंद होती है। तो बच्चों, इस पार्ट में हम जानेंगे अलग अलग भोजन के बारे में। सेइंग विदाउट स्पीकिंग। क्या बच्चों, ऐसा कभी हुआ है कि आपने कुछ भी ना बोला हो, फिर भी आपका कोई दोस्त या कोई फैमिली मेम्बर समझ गया हो आपकी बात? होता है, कई बार हम लोग एक्शन करके भी बताते हैं, जैसे कि मैंने अपना हाथ हिला के बोला ना ना ना, तो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिंगर हिला के ही समझ में आ जाएगा कि मैं चीज़ को मना कर रही हूँ। तो बच्चों, इस पार्ट में हम लोग अलग अलग एक्शंस के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, या बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं जो कि बोल नहीं पाते, लेकिन वो भी अपनी बात को बहुत अच्छे तरह
अच्छे तरीके से दूसरों तक पहुंचा देते हैं। तो हम इस पाठ में उसके बारे में जानेंगे। फ्लाइंग हाई, कौन कौन बच्चे ऊंचा उड़ान लेना चाहते हैं? सभी बच्चों। कौन कौन ऊंची उड़ान ले सकता है? बिल्कुल सही, पक्षी। तो बच्चों इस पार्ट में हम बर्ड्स के बारे में जानेंगे। इट्स रेनिंग, रेनिंग। रेन किसको पसंद है? सभी को। बहुत मस्ती करते होंगे आप, है ना, नाव भी चलाते होंगे। तो बच्चों हम जानेंगे कि वर्षा कैसे होती है और क्या क्या चीज वर्षा को लाने में मदद करती है। व्हाट इज कुकिंग? कुकिंग यानी कि खाना बनाना। आपके घर में कुकिंग कौन करता है बच्चों? क्या आप भी थोड़ी थोड़ी हेल्प कराते हो अपने घर पे मम्मा की? वेरी गुड। तो बच्चों कुकिंग क्या होती है, कुकिंग के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है और कुकिंग के प्रकार कौन से होते हैं? जैसे आपने देखा होगा बच्चों, टिक्की जो होती है वो फ्राई करके बनाई जाती है ना। और क्या जो टोस्ट हम लोग खाते हैं वो भी फ्राई होते हैं? नहीं। तो बच्चों कुकिंग के अलग अलग प्रकार होते हैं, वो हम जानेंगे। फ्रॉम हेयर टू देयर, यहाँ से वहाँ। यहाँ से वहाँ हमें कौन लेके जाता है? बिल्कुल सही, अलग अलग वाहन। तो बच्चों इसमें हम देखेंगे ट्रेन के बारे में। छुक 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 छुक, किसको पसंद है ट्रेन? आप सभी ने जरूर ट्रैवल किया होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम ट्रेन के बारे में और जानेंगे। वर्क वी डू, बच्चों आप जब बाहर जाते हैं, लोगों को काम करते हुए देखते हैं, तो क्या सभी एक ही काम करते हैं? अच्छा मान लो कि सारे के सारे लोग जो हैं वो डॉक्टर बन जाएं, तो फिर बच्चों क्या होगा? बिल्कुल सही, आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ। होगा क्या? हम लोगों को सामान कौन देगा, हमारे घर कौन बनाएगा, है ना? तो हमारी जो बाकी की ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब है बच्चों अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं। तो बच्चों कौन कौन से काम होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ये तो आपको पता ही होगा बच्चों कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। शेयरिंग आर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना। तो बच्चों इसमें एक ऐसा बच्चा है जो कि ना देख पाता है ना सुन पाता है, लेकिन वो फिर भी अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है। अच्छा बच्चों, जो बच्चे नहीं देख पाते हैं वो भी क्या पढ़ सकते हैं? जी हाँ, वो भी पढ़ सकते हैं। बच्चों उनकी भाषा अलग होती है, जिसको हम कहते हैं ब्रेल लिपि। तो हम इसमें जानेंगे कि ब्रेल लिपि किस प्रकार की होती है। द स्टोरी ऑफ फूड, तो बच्चों यहाँ पे हम जानेंगे कि भोजन जो हमें इतना पसंद है वो कहाँ कहाँ से आता है। जैसे कि बच्चों गाय से हमें क्या मिलता है? दूध। और क्या हमें सब्जी भी गाय से मिलती है? नहीं। तो बच्चों अलग अलग भोजन अलग अलग जगह से आता है, उसके बारे में हम और जानेंगे। मेकिंग पॉट्स, पॉट्स यानी कि गमला। आप सभी को घर में गमला है होगा। तो बच्चों क्या आपकी भी इच्छा है कि आप खुद से गमला बनाएं? हम ज़रूर बनाएंगे बच्चों। तो बच्चों इसमें हम देखेंगे, अच्छा ये तो हम तो बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई कौवा यानी कि क्रो पॉट बनाए तो पढ़ने में मज़ा आएगा। तो बच्चों यहाँ पे एक कहानी है क्रो की, जो कि खुद से पॉट बनाता है। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। गेम्स वी प्ले, आपकी कौन कौन सी फेवरेट गेम है बच्चों? बहुत सारी होंगी, लेकिन बच्चों क्या आपको पता है कि पहले तो और भी बहुत सारी गेम हुआ करती थी, जैसे कि स्टैपू, पोशंपा, छुपन छुपाई, ऐसी बहुत सी गेम होती थी। तो बच्चों हम उस सारी गेम्स के बारे में इस पार्ट में पढ़ेंगे। हेयर कम्स अ लेटर, बच्चों आजकल तो कितना आसान है, मोबाइल है, मोबाइल से मैसेज कर दो या फिर फ़ोन कर दो तो तुरंत सामने वाला बंदा हमारी बात को जान जाता है। लेकिन बच्चों पहले जब लोग दूर रहते थे
तो मोबाइल नहीं होते थे, तब अपनी बात कैसे पहुंचाते थे लोग? बिल्कुल सही, खत के द्वारा। तो बच्चों हम जानेंगे कि खत कैसे कैसे वहां तक पहुंचता था। अ हाउस लाइक दिस, बच्चों मान लीजिए कि किसी का जो घर है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा आती है, किसी का घर ऐसी जगह पे है जहाँ पे पानी बहुत कम होता है। तो क्या हमारे घर एक जैसे होंगे? नहीं, तो हम जानेंगे कि अलग-अलग जगह पर अलग-अलग तरीके के घर होते हैं। Our friends animals, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? सबके अलग-अलग होंगे। तो बच्चों एनिमल हमारे दोस्त होते हैं ना? हाँ, आपने देखा होगा मेरे घर में भी एक डॉग है जो कि मेरा फ्रेंड है। तो बच्चों हम अलग-अलग एनिमल्स के बारे में जानेंगे। ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप मतलब ड्रॉप ड्रॉप करके क्या गिरता है? टप 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 टप, पहचान लिया होगा आपने, यानी कि पानी। तो पानी के बारे में हम और जानेंगे। फैमिलीज कैन बी डिफरेंट। अच्छा बच्चों, आपके घर में कौन कौन रहता है? इस वीडियो को जो भी बच्चा देख रहा है वो अपनी कॉपी में फैमिली मेंबर्स का चित्र बनाए और हमारे को कमेंट बॉक्स में फोटो भेजे। तो बच्चों फैमिली कैन बी डिफरेंट, हम इसमें अलग अलग फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे। लेफ्ट एंड राइट, कौन सा बच्चा बता सकता है उसका कौन सा लेफ्ट हैंड है, कौन सा राइट हैंड है? अरे सभी ने पहचान लिया। तो बच्चों हम इसमें और जानेंगे कि लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है। अ ब्यूटीफुल क्लोथ, सबके कपड़े बहुत सुंदर है, वेरी गुड। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कपड़ा जो है वो कैसे कैसे होते हैं, किसी का डिजाइन अलग होता है, किसी का कपड़ा यानी कि टेक्सचर अलग होता है। तो हम इसमें अलग अलग कपड़ों के बारे में और गहराई से जानेंगे। वेब ऑफ लाइफ, तो बच्चों हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, पेड़ पौधे, पानी, जानवर, पक्षी, लेकिन ये हमसे कैसे संबंधित है वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 24, वेब ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का जाल। तो आप देखेंगे कि हमारी दुनिया इन सब के इर्द गिर्द घूमती है, यानी कि इन सब से जुड़ी हुई है। तो बच्चों आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सबने आज बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं, उसकी नोटिफिकेशन को टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बच्चों पढ़ते रहें, इंजॉय करते रहें। हम आपके साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय बच्चों।